हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है प्रो प्रोग्रामिंग। और दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 6, जो मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है। पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्लासेस क्या होती हैं विजुअल बेसिक में, और क्लासेस के अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं वो क्या होते हैं। तो चलिए हम फॉर्म पर डबल क्लिक करके अपने कोडिंग के सेक्शन में चलते हैं। हम आ गए हैं कोडिंग सेक्शन में। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो कोड बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है वो असल में क्या है। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने C++ में क्लासेस यूज़ करी हैं, ये सेम उसी तरह का कोड है। ज़्यादा कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है इसमें। देखिए, यहाँ पर ये पब्लिक प्रोटेक्टेड और प्राइवेट स्पेसिफायर्स आपने यूज़ करे ही होंगे C++ में। ये सब वही हैं। ये क्लास है फॉर्म 1 नाम की, जो कि पब्लिक है, और यहाँ पर ये क्लास एंड हो रही है। और उसके अंदर एक सब फंक्शन है जो कि प्राइवेट है, एक सब फंक्शन है जिसका नाम है फॉर्म 1 लोड। और उसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं। यहाँ पर बाय वैल का मतलब है बाय वैल्यू, यानी कि कोई आर्ग्यूमेंट इसके अंदर पास नहीं, आर्ग्यूमेंट रिसीव हो रहे हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे दो, जो कि बाय वैल्यू और बाय वैल्यू के रूप में इसमें रिसीव हो रहे हैं, जो कि सेंडर नाम के वेरिएबल में और ई नाम के वेरिएबल में असाइन हो रहे होंगे। और दोस्तों, ये जो रिसीव हो रहे हैं इसके अंदर वैल्यूज़, वो हमें नहीं पता है, क्योंकि उसकी कोडिंग ऑलरेडी विजुअल बेसिक में करी हुई है। तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये जानना था कि इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स पास होने हैं वो हैं क्या। और इसके आगे जो माय बेस डॉट लोड लिखा है, इसका मतलब है कि माय बेस यानी कि फॉर्म का बेस लोड होते ही जो इसके अंदर एक्शन स्टेटमेंट लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यहाँ पर हैंडल का मतलब यही है कि यहाँ पर माय बेस डॉट लोड ही हैंडल हो रहा है, और फॉर्म 1 लोड के अंदर आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं दो, जो कि बाय वैल्यू आ रहे हैं। और फिर इसके अंदर जो एक्शन स्टेटमेंट्स हम लिखेंगे वो इसके अंदर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर आप मेरी बात को समझ पाए हैं तो अच्छी बात है, अगर आप मेरी बात को नहीं समझ पाए हैं तो आपको इसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप और भी ज़्यादा डीपली इसको पढ़ने के लिए मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। वरना आने वाले ट्यूटोरियल्स में आप समझ जाओगे कि फंक्शंस का यूज़ इसमें कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, ये पहले पार्ट में हमने ये सीखा कि क्लासेस क्या होती हैं और जो बाय डिफ़ॉल्ट कोड होता है वो असल में क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है। और आने वाले वीडियोस में भी हम समझ जाएंगे कि फंक्शंस का यूज़ और उसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स पास होते हैं उसको हमें किस तरह से हैंडल करना है। फिलहाल आपको इसको ज़्यादा ब्रीफ में, ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है इसके लिए। हम सेकंड पार्ट में बटन और टेक्स्ट बॉक्स के साथ कुछ कोडिंग करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका शुक्रिया इसको देखने के लिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको पसंद आई हो ये वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।